वालदेन को इज्जत देने के खूबसूरत और बेहतरीन 35 तरीके ज़रूर सुनिए और दूसरों के साथ भी इन्हें शेयर कीजिए। सबसे पहली बात, वालदेन की मौजूदगी में अपने फ़ोन को दूर रखिए, अपने आप को फ़ोन में मसरूफ़ ना कीजिए। नंबर 2, उनकी बातों को तवज्जो से सुनिए। नंबर 3, उनकी राय को मुकद्दम रखिए, अपनी राय पर, ख़ास तौर पर उनकी राय को मुकद्दम रखिए। उनसे ये मत कहिए कि आपको कुछ नहीं आता। नंबर 4, उनकी गुफ्तगू में शामिल रहिए। नंबर 5, उनको इज्जत से देखिए। नंबर 6, उनको हमेशा ताज़ीम दीजिए। नंबर 7, उनके साथ अच्छी खबर शेयर कीजिए। नंबर 8, उनको बुरी खबर बताने से परहेज़ किया कीजिए। नंबर 9, उनके दोस्तों के बारे में अच्छी बातें कीजिए और उनसे मोहब्बत रखिए। नंबर 10, उनकी की गई अच्छी बातों को, अच्छी चीज़ों को अक्सर याद करते रहा कीजिए। नंबर 11, उनकी दोहराई हुई बातों को इस तरह सुनिए कि गोया आप पहली बार सुन रहे हैं। उन्हें इसका एहसास ना होने दीजिए कि आप उनकी बातों को सुनकर बोर हो रहे हैं। नंबर 12, माजी की तलख यादों को उनके साथ कभी ना कीजिए। नंबर 13, उनकी मौजूदगी में किसी दूसरी गुफ्तगू से परहेज़ किया कीजिए। नंबर 14, उनके सामने अदब से बैठा कीजिए। नंबर 15, उनकी राय और सोच के मुताल्लिक मामूली सा इख्तलाफ भी ना किया कीजिए। नंबर 16, जब वो गुफ्तगू करें तो उनकी बात को मत काटा कीजिए, उनकी बात को मुकम्मल होने दीजिए। नंबर 17, उनकी उम्र का एहतराम कीजिए। नंबर 18, उनकी मौजूदगी में अपने बच्चों को न डांटिए और न मारिए, क्योंकि वो उन्हें अच्छा नहीं लगता। नंबर 19, उनके हुक्म और मशवरे को कबूल किया कीजिए। नंबर 20, उनकी मौजूदगी में सिर्फ उनसे ही रहनुमाई लिया कीजिए। नंबर 21, उनके सामने अपनी आवाज़ को हरगिज़ ऊंचा ना होने दीजिए। नंबर 22, उनके साथ चलते हुए उनसे आगे बढ़ने या उनके सामने चलने से परहेज़ किया कीजिए। नंबर 23, उनसे पहले खाना शुरू मत किया कीजिए। नंबर 24, उनके सामने खुद को नुमाया मत किया कीजिए। नंबर 25, जब वो खुद को किसी काबिल न समझें तो उनको बताइए कि वो आपके लिए बहुत कीमती और काबिल एहतराम हैं। नंबर 26, उनके सामने बैठते हुए अपने पैर उनके सामने मत कीजिए और ना ही उनकी तरफ पीठ करके बैठिए। नंबर 27, उनके साथ बदअखलाकी से बात मत किया कीजिए। नंबर 28, कोशिश कीजिए कि उनको हमेशा अपनी दुआओं में शामिल रखें। नंबर 19, उनकी मौजूदगी में खुद को हरगिज़ बोर और थका हुआ ज़ाहिर न कीजिए। नंबर 30, उनकी गलतियों और भूल पर कभी मत मुस्कुराइए। नंबर 31, उनकी ज़ियारत बराबर करते रहिए कीजिए, और अगर वो दूर हैं तो उन्हें फ़ोन पर ज़रूर उनके हाल अहवाल पूछा कीजिए। नंबर 32, उनसे बात करते वक्त बेहतरीन अल्फाज का चुनाव किया कीजिए और उनका ख्याल रखिए। अगर वो दूर हैं तो उन्हें मुसलसल आप पैसे भेज कर, तोहफे भेज कर उन्हें खुश किया कीजिए। नंबर 33, उनको मोहब्बत भरे नामों से पुकारा कीजिए जो वो पसंद करते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाप मुशरिक होने के बावजूद भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम उन्हें या अबती फरमाया करते थे, या अबती, हे मेरे प्यारे बाप, हे मेरे अब्बू जान। नंबर 34, उनको हर चीज़ पर मुकद्दम रखिए और तरजीह दीजिए। और 35, वालदेन इस रूए ज़मीन पर नहायत ही कीमती ख़जाना है, इससे पहले कि ये ख़जाना दफन हो जाए उसकी हिफाजत अल्लाह के लिए कीजिए। आए आज से नए बाप का आगाज़ करते हैं। वालदेन की मोहब्बत अपने और दोस्तों और दूसरों के दिलों में उजागर करते हैं इस मैसेज को शेयर करके। बहुत शुक्रिया।